नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम, नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप देख सकते हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स में आपकी थर्मोडायनेमिक्स जो पार्ट ए है वो मैंने स्टार्ट किया हुआ है, और लास्ट क्लास में मैंने आपको थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है आपको बता दिया था। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है वो आपने समझ लिया था। मैंने बताया था कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों के द्वारा किसी सिस्टम को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। यानी जो सिस्टम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के द्वारा डिफाइन होता है, परिभाषित होता है, वो सिस्टम क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। उसी का एक उदाहरण देंगे चलो अभी इसमें। तो एक डेरिवेशन करना है, हेडिंग डालो वर्क डन, यानी किया गया कार्य, ठीक है, किसके द्वारा? बाय ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। वर्क डन बाय ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, क्लियर है। यानी किसी ऊष्मागतिक निकाय, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हिंदी में कहते हैं ऊष्मागतिक निकाय, किसी ऊष्मागतिक निकाय के द्वारा किया गया कार्य है। या इसमें दूसरी हेडिंग ये भी बन सकती है, डिपेंडेंस, डिपेंडेंस माने निर्भरता, ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ वर्क डन, क्लियर है। जो वर्क डन है ना, किया गया कार्य है, उसकी निर्भरता किस पर? ऑन पाथ, ठीक है। तो इसकी हिंदी हो जाएगी, वर्क डन का मतलब किया गया कार्य होता है, और डिपेंडेंस का अर्थ क्या है? निर्भरता। इसका मतलब है किए गए कार्य की पथ पर निर्भरता। पाथ क्या होता है आप जानते हैं, रास्ता होता है ना। तो देखो अब इसका डायग्राम बना लेते हैं, वर्क डन बाय ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। वर्क करना है किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, देखो पहले। तो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम का एक एग्जाम्पल भी हो सकता है। देखो एक कोई सिलेंडर है, ठीक है, कोई एक सिलेंडर है, और ये क्या है? ये पिस्टन है, ठीक है ना। तो पिस्टन कैसा है? मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस का अर्थ ये हुआ कि ये जो पिस्टन है ना, ऊपर नीचे हो सकता है, तो कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, है ना, यानी कोई भी घर्षण बल नहीं लगेगा। तो फ्रिक्शनलेस का अर्थ क्या हुआ? घर्षण रहित। और साथ में मैंने कहा मूवेबल है, मूवेबल, मूवेबल का अर्थ क्या होता है? चलनशील, ठीक है। तो एक चलनशील और घर्षण रहित पिस्टन है जो इस सिलेंडर से लगा हुआ है, तो मैं लिख देता हूं क्या है? फ्रिक्शनलेस, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स आप सभी जानते हैं, तो एक फ्रिक्शनलेस और मैंने बताया मूवेबल क्या है? पिस्टन है, ठीक है, ये जो है, क्लियर है, फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन। और देखो इसके अंदर एक गैस भरी है, ठीक है, ये क्या है? एक गैस है कोई, और ये जो सिलेंडर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, यानी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल इसका कितना है? कैपिटल ए, ठीक। और देखो इस पिस्टन पर कुछ वेट रखा है जिसके कारण ये दबा हुआ है, ठीक है जी। इस पिस्टन पर कोई वेट, कुछ वेट रखा है जिसके कारण ये पिस्टन दबा हुआ है। तो शुरुआत में ये स्थिति है ना, फर्स्ट कंडीशन है इसकी। और देखो इसका मान लो प्रेशर कितना है? पी है। इसका वॉल्यूम कितना है? वी है। और इसका टेम्परेचर मान लो कितना है? टी है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा था ना कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, तो यही एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है का एग्जाम्पल है, ठीक है, जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के द्वारा डिफाइन किया जाएगा, परिभाषित किया जाएगा, ठीक है जी। तो जैसा डायग्राम में दिख रहा है बिल्कुल ऐसे ही आपको लैंग्वेज लिखनी होती है। तो क्या है? लेट अस कंसीडर ए सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए। बात समझ में आ रही है? आगे देखो, लेट ए गैस इज फिल्ड इन द सिलेंडर, एक गैस सिलेंडर में भरी है, ठीक है। तो लेट पी कोमा वी एंड टी बी द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली, ठीक है।
पता है ना, दाब, आयतन और ताप है ये। देखियो अब क्या होगा। हाँ एक बात और कह दें, पिस्टन की बात और बता दें। देर इज ए फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन इन द सिलेंडर या अटैच टू द सिलेंडर, सिलेंडर से जुड़ा है, ठीक है, एक घर्षण रहित और चलनशील पिस्टन, ठीक है, पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है ये। देखो गैस दाब लगाएगी ऊपर की तरफ, है ना, लेकिन ऊपर वो रखे हैं, वेट रखा है, तो इसी कारण पिस्टन ऊपर नहीं चल पा रहा। लेकिन यदि मैं क्या करूं, इसका इसके दो वेट उठा दूं, चार वेट रखे हैं ना, तो चार में से यदि दो रहने दूं, तो देखो प्रेशर जो है नीचे की ओर कम हो जाएगा ना। तो जो प्रेशर कम होगा, तो दूसरी स्थिति ये है, जब प्रेशर कम होगा तो जो पिस्टन है ये ऊपर की ओर जाएगा या नहीं। भाई अब इसमें मान लो ये रह गए दो वेट, तो जो पिस्टन है ऊपर की तरफ चल जाएगा। पहले इसका वॉल्यूम वी था, अब बताओ वॉल्यूम बढ़ जाएगा या नहीं। तो अब जो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, अब का जो वॉल्यूम है, मान लो पहले वी था, अब मान लो वॉल्यूम कितना बढ़ा, डेल्टा वी। तो जो अब का वॉल्यूम है वो हो जाएगा वी प्लस डेल्टा वी, ठीक है, यानी वी वन बराबर तो वी था और वी टू बराबर क्या हो जाएगा, वी प्लस डेल्टा वी, यानी वॉल्यूम में इंक्रीमेंट कितना हुआ, डेल्टा वी, ठीक है, आयतन में वृद्धि कितनी हुई, डेल्टा वी बढ़ गया। और एक बात और देखो, पिस्टन में जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, मान लो ये कितना ऊपर की तरफ चला, डेल्टा एक्स, ठीक है, मान लो डेल्टा एक्स ऊपर की ओर चला, बात समझ में आई है। तो ये इसकी सारी कहानी है। तो इसमें आप लैंग्वेज में ये लिख सकते हो आगे कि व्हेन द वेट इज रिलीज्ड फ्रॉम द पिस्टन, जब पिस्टन से भार हटाया जाता है, तो देन है ना क्या हो जाता है, गैस एक्सपेंड हो जाएगी, गैस का प्रसार हो जाएगा, ठीक है, तो देन द गैस इज एक्सपेंडेड, है ना, गैस फैल जाती है, या द गैस एक्सपेंड्स, फैल जाती है, ठीक है, गैस फैल जाती है। सो द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स वी प्लस डेल्टा वी, ठीक है, कितनी हो जाता है वॉल्यूम बढ़कर, आयतन वी प्लस डेल्टा वी हो जाता है, ठीक है। और एंड देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डेल्टा एक्स, एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन इन अपवर्ड डायरेक्शन इज डेल्टा एक्स, ठीक है, ऊपर की दिशा में जो पिस्टन का विस्थापन है वो डेल्टा एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलो तो डायग्राम मैंने समझा दिया और इसकी सारी लैंग्वेज मैंने आपको बोल दी है, बाकी पीडीएफ नोट्स में आपको लिखा हुआ मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है डायग्राम को देख करके, वो चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है, और हिंदी में भी बोल दिया है साथ साथ, तो आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। देखो तो बात समझ में आई, लेकिन देखो ये सत्र की शुरुआत है, मतलब सेकंड सेमेस्टर की, तो इंग्लिश में ही आप प्रैक्टिस किया करो, मैं हर बार यही कहता हूँ, है ना, अंग्रेजी से भागा नहीं जा सकता, ठीक है। देखो भाई हिंदी हमारी धरोहर है, कमजोरी थोड़ी ना है, समझ रहे हो ना, तो इसलिए हमें हर भाषा सीखनी है और अपनी भाषा को सर्वोपरि रखना है, सबसे ऊपर रखना है, ये मैंने बता दिया है आपको। चलो तो इसके डेरिवेशन की ओर चलते हैं। देखो एक बार बताओ, वर्क डन, गैस एक्सपेंड हो रही है, तो गैस के द्वारा यानी सिस्टम के द्वारा जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, तो वर्क डन, ठीक है, बाय द गैस, ठीक है, गैस एक्सपेंड हो रही है तो गैस के द्वारा कार्य हो रहा है, क्योंकि गैस है ना क्या कर रही है, पिस्टन को ऊपर उठा रही है, तो वर्क डन बाय गैस, गैस का मतलब सिस्टम, ठीक है, द वर्क डन बाय द गैस, ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ, क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुना विस्थापन, और वर्क डन डेल्टा डब्लू, फोर्स एफ, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा एक्स, ठीक है जी। आप एक फॉर्मूला जानते हो, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, जानते हो ना, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो यहां से बताओ मुझे फोर्स बराबर क्या आएगा, प्रेशर इंटू एरिया,
दाब गुना क्षेत्रफल, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर फोर्स की जगह रख दो पी इंटू ए, और इंटू में क्या है डेल्टा एक्स, इन दोनों को साथ ले दो। ये बात मैंने आपको बता रखी है कई बार कि क्षेत्रफल की और दूरी की, दूरी के किसी भी एलिमेंट की, चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, है ना, क्षेत्रफल की और दूरी के किसी भी तत्व की यदि मल्टीप्लाई कर दी जाती है तो वो आयतन बन जाता है। ठीक है, तो एरिया इंटू विड्थ करते थे ना वहाँ पे मैकेनिक्स में, एरिया इंटू विड्थ क्या हो जाता था, तो एरिया इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर पी इंटू डेल्टा वी, ठीक है जी। ये आपका गैस के द्वारा या सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क डन है, कार्य है, क्लियर है। और देखो यदि प्रेशर, ये कब है, ये तब है यदि प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन यदि प्रेशर वेरिएबल हो ना तो क्या होगा। तो देखो इफ इफ द प्रेशर यानी दाब यदि परिवर्तनशील हो, बदलता रहता हो, इफ द प्रेशर इज, ठीक है, नॉट कांस्टेंट या इज वेरिएबल, यदि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है या वेरिएबल है, तो देखो क्या हो जाएगा, W बराबर इंटीग्रल पी डेल्टा की जगह डी क्या जाएगा, डी वी, भाई इंटीग्रल और डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो डेल्टा की जगह क्या आएगा, डी, ठीक है, और इंटीग्रेशन कर दिया है तो डेल्टा नहीं आएगा, डेल्टा क्या था, ठीक है, स्मॉल वर्क डन था एक तरीके से, लेकिन कंप्लीट जब इंटीग्रेशन कर दिया तो कंप्लीट वर्क डन है, और उसमें फिर, ठीक है, ये डेल्टा या डी वगैरह नहीं आएगा, ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो कि डी आया था लेकिन इंटीग्रेशन कर दिया है तो डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, इस तरीके से, है ना, क्लियर है। और देखो मान लो शुरुआत में वॉल्यूम V1 था, भाई dV है ना, तो लिमिट किसके लोगे, वॉल्यूम की, तो मान लो पहले वॉल्यूम V1 था और अब बढ़कर कितना हो गया है, V2 हो गया है, डिफरेंशियल और इंटीग्रल एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा W बराबर इंटीग्रल V1 टू V2 P इंटू dV, ठीक है जी, बताओ कोई दिक्कत हो। तो ये है वेरिएबल प्रेशर के लिए डेरिवेशन, ठीक है जी। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके वर्क डन के हैं, क्लियर है। ये कब है, जब प्रेशर कांस्टेंट है, और ये कब है, जब प्रेशर वेरिएबल है या कांस्टेंट नहीं है, एक ही बात है दोनों, है ना, या तो ऐसे लिख दो प्रेशर इज वेरिएबल, या फिर ऐसे लिख दो प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। और जो गैस का वॉल्यूम है वो कहाँ से कहाँ तक बढ़ता है, V1 से V2 तक बढ़ता है, ठीक है। तो देखो इसे दिखा लेते हैं ग्राफ में, यहाँ पर देखो, देखो एक एक्सिस पर लो आप प्रेशर, ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन है, और इस एक्सिस पर लो आप वॉल्यूम। देखो यहाँ पे मान लो कितना वॉल्यूम है V1, ठीक है जी, यहाँ पर कितना वॉल्यूम है V1, और देखियो मान लो यहाँ तक आते आते इस एक्सिस पे बढ़ेगा ना वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़कर कितना हो गया V2, ठीक। और देखियो जब वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसमें देख के बताओ, जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है, ठीक है ना, जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है, क्यों, क्योंकि प्रेशर घटा है तभी तो पिस्टन ऊपर गया है और तभी वॉल्यूम बढ़ा है, तो इसका मतलब है प्रेशर तो नीचे की तरफ चलेगा, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ होगा। यहां पर मान लो प्रेशर कितना था P1, ठीक है जी, और यहां पर प्रेशर कितना है, कितना मान लो P2, ठीक है जी। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पर प्रेशर P1 है और वॉल्यूम देख के बताओ कितना है V1, और इस पॉइंट पर प्रेशर P2 है और वॉल्यूम कितना है V2, ठीक है जी। और ये जो dV है ये वॉल्यूम का छोटा सा भाग है, मान लो यहाँ पे दिखा लो, ठीक है, ये छोटा सा जो भाग है ना वॉल्यूम का, ये है dV,
ठीक है, बात समझ आई। तो ग्राफ भी मैंने बना दिया है, और ये तो हो गया वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम, दोनों एक्सप्रेशन निकाल दिए, जब प्रेशर वेरिएबल हो तब भी और जब प्रेशर कांस्टेंट हो तब भी। ठीक है, और आगे कहा दूसरी हेडिंग क्या थी, डिपेंडेंस ऑफ वर्क डन ऑन पाथ। तो देख लो ये पाथ ही तो है ग्राफ का, ये वाला जो भाग है ये एक तरीके का पाथ ही तो है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान लो ये ए है और ये बी है, तो ए भी पाथ ही तो है, तो वर्क डन जो है ठीक है वो इस पर ही तो डिपेंड कर रहा है, वी वन से वी टू हुआ क्या वॉल्यूम। ठीक, तो डी वी आ तो रहा है वर्क डन के फॉर्मूले में, और वी वन से वी टू वॉल्यूम बदल रहा है तो इस पाथ के अकॉर्डिंग ही तो बदल रहा है। ठीक है, और देखो प्रेशर पी वन से पी टू हो गया घटकर, तो प्रेशर भी तो है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब है प्रेशर भी और वॉल्यूम भी इस पाथ के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, और वर्क डन के फॉर्मूले में प्रेशर भी आ रहा है और डीवी भी आ रहा है यानी वॉल्यूम में चेंज। तो इसका मतलब है वर्क डन जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, और प्रेशर और वॉल्यूम इस पाथ के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब है, सीधा सा मतलब ये हुआ कि वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो वर्क डन है ठीक है किस पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड करता है। तो इसमें आप हैंस करके एक लाइन लिखेंगे, लिखना हैंस द वर्क डन, ठीक है, किया गया कार्य, और किसके द्वारा, या तो सिस्टम के द्वारा किया जाएगा कार्य या सिस्टम पर किया जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, यदि गैस एक्सपेंड हो रही है तो सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, भाई पिस्टन को कौन उठा रहा है, गैस, गैस यानी सिस्टम। ठीक है, तो इसका मतलब है सिस्टम के द्वारा कार्य हो रहा है या तो, और यदि आप ऊपर से और बाट रख दें और वेट रख दें तो क्या होगा, गैस और कंप्रेस हो जाएगी, दब जाएगी, है ना, संपीड़न हो जाएगा गैस का और वॉल्यूम घट जाएगा। तो इसका मतलब है प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा, तो इसका मतलब फिर क्या हो रहा है, समझ गए ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर सिस्टम पर कार्य होगा, सिस्टम के द्वारा नहीं होगा, तो एक्सपेंशन होगा तो सिस्टम के द्वारा कार्य हो रहा है, और कंप्रेशन होगा तो सिस्टम पर कार्य हो रहा है। ठीक है, वर्क हो रहा है, तो चाहे वर्क सिस्टम के द्वारा हो या सिस्टम पर हो, दोनों ही स्थितियों में ठीक है प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होंगे, चाहे बढ़े चाहे घटे। ठीक है, तो वो किसके अनुसार होंगे, इस पाथ के अकॉर्डिंग। तो हैंस करके एक लाइन लिखो, हैंस वर्क डन ठीक है बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम, चाहे वर्क डन बाय द सिस्टम हो या वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, दोनों ही स्थितियों में ठीक है लिखना है, वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम डिपेंड्स, वर्क डन किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द पाथ, पाथ पर डिपेंड करता है। क्लियर है, ठीक है जी, बात समझ में आई। और ये बात आप बाइंडर में ऊपर की तरफ लिख लेना जो मैंने बताई, कि यदि एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, ठीक है क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, तो पता है क्या होता है, वर्क डन किसके द्वारा होता है, बाय द सिस्टम। ठीक है, लिख ले रहे बात। और यदि कंप्रेशन हो रहा है गैस का, तो आप लिखना वर्क किसके द्वारा हो रहा है, ठीक है वर्क डन बाय, बाय नहीं होगा ऑन, कंप्रेशन हो रहा है ना, तो फिर हम कर रहे हैं वेट रख के सिस्टम पर वर्क, वर्क डन ऑन सिस्टम। ठीक है जी, तो इस सारे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका डेरिवेशन पूरा हुआ, फिर नेक्स्ट डेरिवेशन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इसे आप कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद देखो क्या करते हैं, वर्क डन ही निकालेंगे लेकिन पीवी कर्व की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो वर्क डन बाय हेल्प ऑफ पीवी कर्व। पी माने प्रेशर है ना, वी माने वॉल्यूम है आपको पता है, और कर्व क्या होता है, वक्र। तो यानी पीवी वक्र की सहायता से किया गया कार्य किसी निकाय द्वारा, किसी सिस्टम द्वारा। तो लिखो हेडिंग वर्क डन बाय पीवी कर्व, बाय नहीं फ्रॉम, ठीक है किसकी हेल्प से, या ऐसे लिखो बाय हेल्प ऑफ,
वर्क डन बाय हेल्प ऑफ पीवी कर्व, कर्व यानी वक्र। तो वर्क डन बाय पीवी कर्व, पीवी वक्र की सहायता से आप क्या निकालेंगे, ठीक है। वर्क डन, देखो बोर्ड पे एक्स, ये क्या है, एक कर्व बनाएंगे, इस एक्सिस पर वॉल्यूम लिया और इस एक्सिस पर प्रेशर लिया, ठीक है। तो कोई एक गैस है ना, ऐसी मान के चलना है, लेट अस कंसीडर ए गैस इज फिल्ड इन ए सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर में भरी है गैस और फिर वो एक्सपेंड होती है, मान लो V1 वॉल्यूम से V2 तक, वॉल्यूम तक, है ना। तो लेट द गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम V1 वॉल्यूम टू द, या फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1, प्रारंभिक आयतन क्या है V1, फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू द फाइनल वॉल्यूम V2, अंतिम आयतन क्या है V2, ठीक है। तो देखो पहले आयतन उसका V1 था और बाद में कितना हुआ V2। तो मान लो यहां पर V1 है और यहां तक आते आते आगे को बढ़ेगा ना आयतन, कितना हो गया V2, ठीक है जी। और मान लो प्रेशर कितना है P, ठीक है, प्रेशर सेम है, बिल्कुल कांस्टेंट है, P है, ठीक। तो देखो A B C D, ठीक है, ये वक्र है या नहीं, ठीक है, ये वक्र है AB, और ये जो बीच का मैंने शैडो वाला रीजन बनाया है, ये वक्र AB यानी कर्व AB और V एक्सिस, है ना, V एक्सिस के बीच का एरिया है, घिरा हुआ क्षेत्रफल है, ठीक है। चलो डायग्राम तो बना, इसमें आप निकालो वर्क डन। तो देखो देन वर्क डन, वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है ना, अभी मैंने बताया था एक्सपेंशन हो तो सिस्टम के द्वारा वर्क होगा, वॉल्यूम V1 से बढ़कर कितना हो गया V2, तो एक्सपेंशन हो रहा है प्रसार। तो फॉर्मूला पता है आपको, डेल्टा W बराबर P इंटू डेल्टा V, अभी प्रूफ किया था, डेल्टा W बराबर P इंटू डेल्टा V क्या होता है V2 माइनस V1, ठीक है भैया। ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा दिया वॉल्यूम। देखो P क्या है, P है आपका O, या P है आपका इस पॉइंट को कुछ कह दो, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो DA कह सकते हो, ठीक है, क्या कह सकते हो DA, क्योंकि देखो जितना ये उतना ये, तो P जो है ना यहाँ तक है, यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस कितनी है DA, है ना, तो ये है PDA, और इनटू V2 कितना है V2, ये रहा O से लेकर C तक, ठीक है, OC माइनस V1 कितना है, ये रहा O से लेकर D तक, ये D है OD, ठीक। और डेल्टा W बराबर DA गुना OC में से OD गया, OC में से OD गया तो कितना बचा DC, कितना बचेगा DC, ठीक है। और ये आयत है, ये रेक्टेंगल है, ये जो आकृति बन रही है शैडो वाली, रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है क्या होता है, L इंटू B, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। L मान लो ये है, B मान लो ये है, तो L कितना है लंबाई AD या DA, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है ये री DC, ठीक है। तो ये क्या बन गया क्षेत्रफल, ये जो एरिया है रेक्टेंगल का, इसका क्षेत्रफल, मतलब ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया या क्षेत्रफल, तो क्या बन जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, जिसका नाम है ABCD, ठीक। और देखो ये रेक्टेंगल जो है ये किस किस से घिरा है, देखो कर्व तो ये है AB, ठीक है, कर्व तो AB है, तो कर्व AB और Y एक्सिस के बीच घिरे हुए क्षेत्रफल के बराबर है डेल्टा W, ठीक है। तो ये क्या है एरिया, ठीक है, कौन सा एरिया, डेल्टा W किस एरिया के बराबर है, उस एरिया के बराबर है जो एनक्लोज्ड है, जो घिरा हुआ है,
है ना, एनक्लोज्ड, ठीक है, एरिया एनक्लोज्ड किस किस के द्वारा, बाय कर्व ए बी, यानी कर्व ए बी, ठीक है, और वाई एक्सिस, ये वाली वाई नहीं वी एक्सिस, वी है ना इस पर, यानी एक्स एक्सिस पर वी है तो वी एक्सिस कह रहे हैं, एंड वी एक्सिस, ठीक है। तो डेल्टा डब्ल्यू जो है ना वो एरिया के बराबर होता है, और एरिया किस कौन सा है, जो कर्व ए बी और वी एक्सिस के बीच घिरा हुआ है। बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला भी आपको आपके पास एक बन के आया, जिसे आप कह सकते हो कि वर्क डन किसके बराबर होता है, ठीक है, एरिया बिटवीन, ठीक है, कर्व, और ये कर्व ए बी जो है ना ये पी वी कर्व है। इस कर्व का नाम क्या है, पी वी कर्व, क्यों, क्योंकि ये जो कर्व है ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच खींचा गया है। प्रेशर तो देखो कांस्टेंट है तो एक ही सीध में है, और वॉल्यूम वी वन से बदलकर वी टू हो गया, तो इस कर्व का नाम क्या है, यहाँ पर इस डायग्राम में तो इस कर्व का नाम ए बी है, लेकिन यदि सामान्यतः लिखें तो क्या लिखेंगे, डेल्टा डब्ल्यू बराबर, देखो क्या आएगा, एरिया बिटवीन पी वी कर्व एंड वाई वो एंड वी एक्सिस, ठीक है, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल के बराबर है ये, कौन, वर्क डन, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अच्छे से कर लेना दोनों, बिल्कुल छोटे छोटे डेरिवेशन थे, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।